Hi guys, this is Jia and you are watching Work at Our Job Helpful. Friends, female के लिए आज का ये job होने वाला है. ये job only for female candidates के लिए है. वैसे thumbnail में आपने सब कुछ देख ही लिया होगा कि किसके लिए job होने वाली. तो guys, job की update बताने से पहले एक request. अगर आप channel पे नए हैं तो channel को जल्दी से subscribe कर लें और पास वाले बेल आइकन को हिट कर ले ताकि नई नई जॉब के अपडेट्स आप तक पहुंचे और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना कभी ना भूले. तो गाइस, ये जॉब होने वाली है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए. फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अब तक का, यस अब तक का जितने भी मैंने जो है वैकेंसीज बताई है, फिर जितने भी मैंने वीडियोज अपलोड किया है, उसमें से सबसे अच्छा जॉब होने वाला ही है, सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है ये जॉब. तो लास्ट तक थोड़ा देखिए इसको. तो गाइस, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, बेंगलोर लोकेशन के लिए है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का. हमेशा मैं जो ब्लैक कहता हूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फील्ड वर्क रहता है, आज ये जॉब है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फील्ड वर्क. फील्ड वर्क में काम क्या रहता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का नहीं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रहता है. सेल्स एग्जीक्यूटिव एक अलग चीज़ हो गया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक अलग चीज़ हो गया. सेल्स एग्जीक्यूटिव में आपको सेल करना रहता है, मार्केटिंग में आपको सिर्फ कंपनी की मार्केटिंग करनी रहती है. लीड दोनों में रहती है, टारगेट दोनों में रहता है, दोनों में टारगेट अचीव करना रहता है और दोनों में इंसेंटिव रहता है. तो ये होने वाली है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए. एज लिमिट तो आपको सबको इसको पता ही होगा, 18 से ऊपर एज लिमिट, 18 से ऊपर और 25 ईयर्स लास्ट रहती है इसमें, 25 साल लास्ट रहती है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है कैंडिडेट्स को दो लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी कन्नड़ा, नहीं तो हिंदी इंग्लिश, नहीं तो कन्नड़ा इंग्लिश. कहने का ये मतलब है कि दो पर्टिकुलर लैंग्वेज आना चाहिए जिसमें से एक हिंदी अनिवार्य है या फिर एक कन्नड़ा लोकल लैंग्वेज अनिवार्य है. दोनों लैंग्वेज, दोनों में से कोई भी अनिवार्य है. बंदा कहीं का भी हो जो ऑलरेडी बेंगलोर में रह रहा हो, या फिर आउट ऑफ स्टेशन वाले भी कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स ऐसे कुछ बहुत सारे रहते हैं जो हमारे पास कॉल वगैरह जो आता है ना, उसमें से भी जो कोई चाहे तो अप्लाई कर सकता है इसके लिए. कंपनी की तरफ से रूम की व्यवस्था करवा दी जाएगी आपके लिए. सैलरी अच्छी खासी मिलती है इसमें. स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है 18 से चालू होती है, 18,000 स्टार्टिंग सैलरी रहती है. अब रही टाइमिंग की बात, तो इसमें टाइमिंग जो है कुछ भी फिक्स नहीं रहता है. फिक्स इसलिए नहीं रहता है, रीज़न ये रहता है कि आपको एक कंपनी रहती है एक्स वाई जेड, उसके लिए लीड जनरेट करना रहता है. लीड जनरेट करना बोले तो मार्केट में विजिट करना रहता है. स्टार्टिंग जो लीड रहती है वो कंपनी की तरफ से ही दी जाएगी, महीना दो महीना के लिए, कि जो है आपको बता दिया जाएगा कि एक्स वाई लोकेशन पे जाना है, वहाँ ऐसा ऐसा क्लाइंट मिलेगा, उससे वो बात करनी है और आपको कंपनी का लीड जनरेट करके लेके आना है, कंपनी के लिए कुछ जो है आउटलेट लेके आना है, तो वही काम रहेगा. फिर एक दो महीना करने के बाद उसको जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो चाहे तो डायरेक्ट जो है घर से जो है फील्ड में जा सकता है, नहीं तो एक बार ऑफिस विजिट कर सकता है, या फिर फील्ड में जाके क्लाइंट से मीटिंग करके वापस ऑफिस आ सकता है, या फिर अगर नहीं आए या फिर क्लाइंट के साथ या फील्ड में ही बिजी रहे तो वो एक अलग चीज़ है. लेकिन इसमें रहता है कि महीने का आपको क्लाइंट को जो है 2 से 3, कंपनी को 2 से 3 जो है आपको लाके ही देना है. दो से तीन टारगेट पूरा करना ही रहता है. वैसे टारगेट इसमें 7 to 8 रहता है. कौन सा काम रहता है ये कि सिक्योरिटी कंपनी का, यस जो मैंने ऐसा का बताया था एक दो दिन पहले वीडियो में, वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है. एसओ का जो है वो फिल हो गया है. हमारे जो है एक हैदराबाद से दो बंदा आए थे, सिलेक्शन हो गए उनका और वो कर रहे हैं. ये रहता है अदर कंपनी, दूसरी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है. आपको एक या दो कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ता है कंपनी के लिए महीने का, सिर्फ और सिर्फ एक या दो, ज़्यादा नहीं है स्टार्टिंग टारगेट. इसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है, 18,000 हो गया, प्लस ESIPF हो गया, प्लस आपको रूम की व्यवस्था हो गई, प्लस इंसेंटिव हो गया, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एक मान के चलिए कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं इसका टोटली,
तो मेरे हिसाब से आपकी 25 से ऊपर जाती है सैलरी, इसमें एक 25-22 हज़ार के लगभग आपकी सैलरी चली जाती है। अब रही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फील्ड में घूमने के लिए, तो गाइस अगर आपके पास स्कूटर है या स्कूटी है तो ये जॉब आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हमारा कंपनी का बंदा जो है एक लीड जनरेट करेगा, आप चाहे तो बस से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर कंपनी के बंदे को साथ में लेके जा सकते हैं। कोटेशन देना हुआ, उसका जो है क्या क्राइटेरिया रहता है, उसका क्या बात रहती है, वो सब बात करके आपको छोड़ देना, बस उतना ही काम। बाकी काम जो है हमारा कंपनी देख लेगी, जो वो कंपनी है सिक्योरिटी कंपनी वो देखेगी बाकी काम, उसको फॉलोअप लेना रहेगा, वो सब वो करती रहेगी। आपका काम है कि मार्केट में विजिट करके, क्लाइंट से मीट करके, मीटिंग करके वो लीड जो है कंपनी को देना, बस उतना ही काम रहता। अब या तो ऑफिस विजिट करके आप फील्ड में जाइए, या फिर फील्ड विजिट करके ऑफिस में आइए, या फिर ऑफिस जाइए ही मत, सुबह डायरेक्ट फील्ड में जाइए, शाम तक जो है आप ऑफिस में जो है रिपोर्ट सबमिट करवा दीजिए। XYZ में विजिट किया था, वहाँ वहाँ मुझे ये क्लाइंट मिला, उसने मुझे ये फीडबैक दिया, और उसने मुझे जो है 3-4 दिन पहले आने को बोला, या फिर वो अगले महीने फ़ोन करने को बोला। जो भी आपको जो है फीडबैक मिलता है क्लाइंट की तरफ से, वो फीडबैक एक रिपोर्ट रेडी करके शाम को आपको कंपनी में हैंडओवर करना रहता है, उस मैनेजर को देना रहता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट प्लानिंग करने रहती है, आगे का प्लानिंग करने रहती है। इसमें संडे छुट्टी रहता है आपका, संडे वीक ऑफ रहता है। अगर मैं मान के चलो तो वर्किंग आवर्स इसमें 8 घंटा ही रहता है। अगर आप मान लो फील्ड में जाके 8 से 10 लीड लेके आ जाते हैं महीने का, ऑफिस में जाके बैठ के बस आराम कीजिए, आपको कोई मना करने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपना टारगेट पहले ही अचीव कर चुके होते हैं। तो गाइस आपके लिए, फीमेल के लिए, कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ओनली फॉर फीमेल के लिए। मैं पहले भी बोला कि इस टाइप का जॉब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स हम लोगों के पास बहुत सारा जो है जॉब्स आता है, लेकिन इस टाइप का जॉब नहीं, जो फील्ड का काम करे, मार्केट में जाके एक जो है लीड जनरेट करे। उसमें क्या रहता है कि कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस होता है, दूसरा बात क्या रहता है कि उसका इंग्लिश स्पीकिंग और जो पब्लिक स्पीकिंग रहता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसको अच्छा नॉलेज हो जाता है मार्केट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल के लिए। जो जो बंदा कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो मुझे पहले अपना रिज्यूम सेंड करे, और कॉलिंग करने का एक ही समय है, 9 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक, 9 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा संडे सैटरडे जो है आप कभी कॉल नहीं करें, आप जो फ़ोन करते हैं आपका रिस्पॉन्स तो अच्छी तरीके से नहीं दिया जाता है, फिर आपके माइंड में, आपके दिमाग में अलग अलग सोच आती है, अलग थिंकिंग आ जाती है। और हमेशा की तरह ये जॉब भी फ्री होने वाली है, आपसे जो है ज्वाइनिंग के नाम पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं फ़ोन करके कि सर इस काम में कितना फीस है। मैं ये बात कई बार क्लियर करता हूँ, कई बार क्लियर करता हूँ, और थंबनेल में भी मैं ये चीज़ मेंशन करता हूँ ऊपर में, फ्री जॉब, फ्री जॉब कहने का यही मतलब है, आपसे किसी भी टाइप का एक भी चार्ज नहीं लिया जाता, एक भी रुपए नहीं लिया जाता है। तो गाइस वीडियो को शेयर करना कभी ना भूले, फीमेल कैंडिडेट जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना रिज्यूम शेयर करें या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाय बाय।